जैसे ही वो शॉट हुआ तो मतलब एकदम से मेरे एक्सप्रेशन चेंज हुए कि मैंने जैसे ही वो कंट्रोल कर रखा था हमारे यहाँ कहते हैं ना कि स्वर्ग नरक है, तो वो पुजारी जी बनने के बाद ऊपर गए तो वो नरक में, तो वहां पे उनके इलाके का एक शराबी था तो वो उनको मिल गया, तो उन्होंने कहा पुजारी जी आपने तो सारी उम्र पूजा पाठ धर्म ध्यान की बातें की हैं, हमने तो चलो दारू पी या कुछ और कोई गलत किया होगा तो हम तो नरक में आए, आप क्यों गलत में आए, आप तो सारे काम इतने अच्छे करते रहे। कहता मैं सारी उम्र ना झूठ बड़ा बोलता रहा। तो कहते आपने झूठ बोला, आप तो सबको कहते थे सच बोलते हैं सच बोलना चाहिए। कहता लेकिन जब भी वाइफ तैयार होकर आती थी ना तो मैं कहता था बहुत अच्छी लग रही और दिल से मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं झूठ बड़ा बोलता था उस वजह से मुझे याद। आज सुबह जब इस प्रोग्राम के बारे में मैंने अपने बेटे से बात की कि आज हमने प्रोग्राम किसके साथ करना है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। मेरे बेटे और मेरी डॉटर इन लॉ सन्मित जॉली ने मुझे बताया कि आज एक फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, एक फिल्म आर्टिस्ट, एक मॉडल, एक ब्रांड एम्बेसडर, एक प्रमोटर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक सोशल इंडियन ब्यूटी क्वीन प्राइड ऑफ दिल्ली, एक डायरेक्टर पाइसिस क्रिएशन के, इनके साथ हमने आज का प्रोग्राम करना है। तो मैं थोड़ा डर भी गया और कंफ्यूज भी हो गया, तो मैंने इनसे कहा कि हमारे पास तो इतना अरेंजमेंट नहीं है, इतने सारे लोगों को हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे स्टूडियो में भी इतनी जगह नहीं है, बहुत छोटा सा स्टूडियो है हमारा जिसमें हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो इन्होंने फिर हंसते हुए कहा पापा ये सारे अलग अलग लोग नहीं है, ये सारी क्वालिटीज एक ही पर्सनैलिटी में है, और आज वो पर्सनैलिटी है हमारे साथ निधि बख्शी जी। निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो ये मैंने जो सारी चीजें बताई जी, ये जो आज इन्होंने मेरे साथ मजाक किया और साथ मैं सच में डर गया कि इतने लोगों को मैं कैसे मैनेज करूंगा तो इतनी क्वालिटीज, इतने सारे गुण नॉर्मली कभी एक आदमी में, एक इंसान में देखने को नहीं मिलते, तो आपने इतना कुछ कैसे मैनेज किया? देखिए मुझे लगता है कि अगर आप क्रिएटिव होते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, मैं अगर मैं अपनी जर्नी देखूं तो मैं एज अ पेंटर एक आर्टिस्ट थी। अच्छा। हाँ जी, और मेरा डांस सिंगिंग ड्रामा सब में ही शौक था, तो जब मेरे पास कुछ चीजें आती गईं तो मैं बस उनको आगे लेके चलती रही जी, और हर चीज में मुझे अप्रिसिएशन मिला, तो शायद मैं सब कुछ कर पा रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि बैलेंस अच्छा बना के चलूं लाइफ में। आपकी ये जो बात ड्राइंग की आपने की, मैं कई बार स्कूल्स में मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं वहां ये चीज जरूर कहता हूँ कि जिस तरह के बाकी सब्जेक्ट हैं, चाहे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है जी, उसी तरह ड्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। लेकिन टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे कोई भी ना इसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन ये ड्राइंग एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी इमेजिनरी पावर को बढ़ाता है, बिल्कुल, जिससे शायद आप ये भी सारा कुछ अचीव कर पाए। हाँ जी, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं जी, और अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आप हर किसी को, चाहे एक्टिंग स्किल्स हो या गायकी हो, हर किसी को आप अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर उसको आप निकालते हैं। और ड्राइंग में भी यही होता था ना, एक पहले हमारे टाइम में तो होता था कि गांव का सीन बनाओ तो एक सारे बनाते थे, एक पेड़ बनाते थे, एक रिवर छोटी सी बनाते, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आपने कितना उस जगह को ऑब्जर्व किया और फिर वो कागज पर उतारा। जी 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 जी। अब आप फैशन लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं जी, और भी बाकी सारी चीजों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो पहले फैशन की अगर हम बात करें तो आप अपने आप को, क्योंकि अब आपका एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में जी, बहुत अच्छा स्टेटस है, दुनिया आपको बहुत दूर तक जानती है, तो आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हैं?
कि आज सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, कैसे आगे एक्सपेक्ट करते हैं, नई जनरेशन क्या लाइक करेगी, इन चीजों के बारे में सारी जानकारी आप कहाँ से लेते हैं? कौन सा जादू का पिटारा रखा हुआ है या कौन सी एआई की इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ आपके पास है? नहीं नहीं है। नहीं ऐसा कोई जादू का पिटारा नहीं है। ये फिर वही चीज आ जाती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन। तो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, मैं थोड़ा सा वहां पर नजर रखती हूँ कि क्या पहन रही हैं आज की एक्ट्रेसेस और क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या अट्रैक्ट कर रही है, साथ में वो चीज एलिगेंट भी हो और आप उसमें निकल के भी आ रहे हो, आपकी पर्सनालिटी पे क्या अच्छा लगता है, बस वो फोकस करते हुए मैं खुद को उन्हीं चीजों में ढाल लेती हूँ और वही फैशन में अपनाती हूँ। अब बॉलीवुड की आपने बात की या टीवी, आजकल सीरियल बॉलीवुड से भी ज्यादा फैशन उसमें दिखाई देता है। मैंने कभी सीरियल नहीं देखा, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर है, बच्चे देखते हैं कई बार तो बताते हैं। तो ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है या यूथ है हमारा, ये हमेशा वेस्टर्न कंट्री से या जो दूसरे कंट्रीज में फैशन लेटेस्ट चल रहा होता है उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं, ये अपना खुद का कुछ क्रिएट क्यों नहीं करते? चाहे पिज्जा बर्गर की बात हो, जीन्स शुरू में आई तो भी हमने बाहर से कॉपी की, अब फटी जीन्स, मतलब कि कई बार तो देख के इतनी बुरी हालत। उस दिन मैंने एक कार्टून देखा मैगजीन में, वो एक लड़की बहुत ही फटी, जिसे कहते ना चिथड़े हुए, तो वो बिल्कुल उस तरह की जीन पहनी हुई, तो एक भिखारी ने उसे रोका, सॉरी मैडम रुको इधर, ये मेरा इलाका है, आप दूसरे इलाके में जाओ। तो इतना अजीब लगता है। और अब तो एक और चीज जो देखने को आ रही है कि जूते फटे हुए जी। कल परसों मैं एक रील देख रहा था, तो 30-35 हजार से लेके 1 लाख रुपए के जूते, जिनको हम बहुत पहले फेंक देते हैं, वो 1-1 लाख रुपए के जूते बिक रहे हैं, क्या लोग वो पहनेंगे? ये फैशन है इसको? क्या कहोगे? देखिए अब जब आपने ये बात की ना कि यूरोपियन कल्चर अपना लेते हैं, तो जैसे हो जाता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, कि इतनी सारी हमारे पास इतनी सारी चीजें होते हुए भी हम यूरोपियन कल्चर की तरफ या वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं। तो शायद यूथ में तो ये हो जाता है कि जब आपको अपने कल्चर में तो सारी चीजें दिख रही हैं, तो जो नहीं दिख रहा वो शायद हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है कि ये हम बिल्कुल अलग हटके लगेंगे। भाई हमारे यहाँ तो सब साड़ियां पहनते हैं, सूट्स पहनते हैं, अगर हम जीन्स पहनेंगे या शॉर्ट ड्रेसेस पहनेंगे तो शायद हम कुछ अलग लगेंगे। तो वो जो कुछ अलग लगने का जज्बा आ जाता है ना यूथ में, वो शायद इस डायरेक्शन में हमें लेके चला जाता है कि हम वेस्टर्नाइज कल्चर को बहुत ट्रेंडी मान लेते हैं। बट मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है और मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली साड़ीज ही मैं प्रेफर करती हूँ। तो और जहां तक बात आई वो जीन्स की, फटे जीन्स या फटे शूज की, वो भी शायद ऐसा लगता है कि जब आप कुछ अलग हटके करते हैं तो आप सब में दिखने लग जाते हैं, तो शायद वो दिखने लग जाने वाले के चक्कर में वो फैशन बन जाता है। और वो एक अपनाता है, उसको देखते देखते आगे पूरी लाइन वही चल पड़ती है। ठीक, आपने जहां तक मुझे आइडिया है मैरिज के बाद आप इस लाइन में आए जी, बहुत सारे बच्चे और मिडिल एज के लोग और कुछ मेरे जैसे उम्र के लोग, उनका भी दिल करता है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी थोड़ी नेम फेम मिले जी। आपके हिसाब से कौन सी एज सही है जब इस फील्ड में एंटर किया जा सकता है, और क्या बेसिक स्किल एजुकेशन के अलावा जरूरी है, चाहे वो फिटनेस की बात हो या लुक्स की बात हो, तो वो क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे यंगस्टर्स को अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं? तो देखिए अगर कुछ ग्लैमर लाइन में आना है आपको, तो एज कोई मायने नहीं रखती है, और मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बचपन से लेके आई थिंक फिर कोई एज की लिमिट ही नहीं होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे बूमन ईरानी देखिए, आफ्टर 40 वो आए हैं बॉलीवुड में, तब उनका नाम हो गया। एक बहुत ही सीनियर मॉडल है दिनेश मोहन जी, जी अगर आप मिले मेरे दोस्त हैं अच्छे, हाँ जी हाँ जी, तो वो भी कितने लेटर स्टेज पे आए, वो 60+ पे आए बिल्कुल। हाँ तो मतलब आप देखिए, तो एज की कोई लिमिट नहीं है,
और मैं स्पेशली मैरिड फीमेल्स को कहना चाहूंगी जो कई बार सोचती हैं कि मैरिज मतलब सब खत्म हो जाना, तो ऐसा नहीं है। आफ्टर मैरिज आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि आप अपना घर भी संभालें, बच्चे भी और खुद को भी। तो अगर ऐसा संभालेंगे तो आप शायद सब कुछ कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। मेन चीज जहां तक मैं समझ पाया हूं कि लोगों का ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, जो आपने कही ना मैरिज के बाद, अब तो मैरिज हो गई, अब मेरे बच्चे हो गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी जो उनकी मन में ख्वाहिशें होती है ना, उनको दबा देते हैं या मार देते हैं। तो लेकिन आपको देख के लगता है कि नहीं, आज लोगों को एक स्पार्क मिलेगा कि नहीं, मैरिज के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कि फैमिली, ऑफ कोर्स हमारी प्रेफरेंस फैमिली ही रहनी चाहिए, लेकिन खुद को भी नहीं भूलना चाहिए। हम भी एक बार ही हमको लाइफ मिली है, तो उसको जो फायदा हम उठा सकते हैं तो बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, अगर आप अच्छे फिट हैं, अगर आप सूटेबल हैं ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आप एक्टिंग स्किल्स में अच्छे हैं तो भी आप एक चांस लें, ऑडिशंस में जाएं किसी भी एज में। तो एक बार मुझे लगता है लाइफ में अगर आपने कुछ सोचा है, मन में कुछ है, तो उसे जरूर करके देखें। या मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हम ये कंपैरिजन देख रहे हैं, ये है सोच के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कनाडा में भी रहता हूँ, वहां भी मेरा जाना रहता है काफी। इस साल मैंने गया, तो नॉर्मली मैं समर्स में वहां चला जाता हूँ, पीआर हूं मैं कनाडा का। तो वहां पे मैंने देखा है कि लड़का हो या लड़की, जब भी वो कुछ यूनिक करते हैं, अभी हमारे यहाँ स्कूल किया, कॉलेज किया, और बैंक में अप्लाई कर दो, रेलवे में अप्लाई कर दो, नौकरी के पीछे दो चार साल लगे, कभी लग गई या नहीं लगी, या कोई दुकानदारी कर ली। लेकिन अगर इस ट्रैक से हट के कोई कुछ करता है, वहां पे पढ़ाई से पूरी करने के साथ ही वो बच्चे अलग से कुछ करते हैं, तो उनको सोसाइटी, उनके पेरेंट्स बहुत एनकरेज करते हैं, वहां पे कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड है जी। हमारे यहाँ पे स्पेशली, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन लड़कियों के बारे में ये कि अगर लड़की कोई थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेके कुछ भी अलग किसी इंडस्ट्री में अपना हुनर दिखाती है, तो एकदम से उसके ऊपर ना टैग लगा दिया जाता है, ये तो बहुत तेज है। ये सोच थोड़ी मुझे लगता है गलत है, अब इस सोच को बदलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, शायद ये वक्त आ गया है, और मुझे लगता है थोड़ा चेंज आ भी रहा है, जनरेशन टू जनरेशन फर्क आ रहा है। और डरने की कोई जरूरत नहीं होती किसी को, अगर कुछ मन कर रहा है किसी लड़की का तो जरूर करें, लेकिन हर चीज की एक लिमिट भी होती है। अगर हमारी कुछ कंडीशनिंग, फैमिली कंडीशनिंग कुछ किसी तरह की है, तो हमें अपने पेरेंट्स को हम अपने ढंग से समझा सकते हैं, और पेरेंट्स को भी जरूरत है वो चीज समझने की कि आज वक्त बदलता जा रहा है। बच्चों को अगर कुछ अलग करने की इच्छा है तो उन्हें जरूर आगे बढ़ने दें। एक्चुअली डर हो जाता है रिस्क का, कि भाई पेरेंट्स जब सपोर्ट नहीं करते तो कई बार ये हो जाता है कि उन्हें ही रिस्क लग रहा होता है कि हमारा बच्चा पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, तो जो बनी बनाई चीजें हैं ये वो ही क्यों नहीं कर ले। फिर वही बात आई कि कॉन्फिडेंस को पहले स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी जंग इजिली जीत सकते हो। हाँ। तो बाकी काम तो फिर काफी इजिली हो जाते हैं, पहले कॉन्फिडेंस को बनाना, मेंटेन करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। सही। आप फैशन से जुड़ी हैं, हम फैशन की बात कर रहे हैं, तो आज मेरे दिमाग में भी कई चीजें आ रही है। हमारे यहाँ पे ना स्पेशली जब शादी होती है, तो लड़के भी आजकल काफी पैसा खर्च करने लगे ड्रेसेस पे, लेकिन लड़कियों के ना जो मैरिज की ड्रेस होती है, रिसेप्शन की है या शादी की है, तो दो दो चार चार लाख, पांच पांच लाख की एक एक ड्रेस बनती है उनकी, और वो एक ही बार पहनी जाती है, उसको दोबारा पहनते भी नहीं। बिल्कुल, वो किसी को दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि इमोशनल वैल्यूज उसके साथ अटैच होती है। इस ट्रेंड को हम किसी तरह से चेंज कर सकते हैं कि 5-7 लाख 10 लाख रुपया एक दिन की, 1-2 घंटे के लिए जो ड्रेस पहननी है, उस पर इतना पैसा खर्च करना कहाँ तक ठीक है? एक्चुअली ये सब हमारी अपनी अपनी ना सोच के ऊपर है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें शायद सबसे अलग दिखना है, तो हम बिल्कुल पूरे पैसे लगा दें और कुछ उसमें से हम निकाल लें और हम ही दिखें, तो वो अच्छी बात है। आपका स्पेशल डे है, ऑफकोर्स आपको ही अलग लगना है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ रीजनेबल चीजें भी आती हैं, और
मैं पर्सनली तो यही प्रेफर करती हूँ कि जरूरत नहीं है कि इतना पैसा उस चीज पे लगाया जाए. इनफैक्ट मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जो मेरी मैरिज का लहंगा था दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव अपने बजट में, अपने बजट के हिसाब से. मुझे लगता है सब उससे ऊपर लेना चाहते हैं अपने स्पेशल डे पे, लेकिन फिर उसको आगे रीयूज कैसे करें. तो रीयूज आप भाई अगर आपका लहंगा है तो हम ब्लाउज चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं जो मेरी बहुत क्लोज है, मेरी सिस्टर इन लॉ है या सिस्टर है, तो हम लोग उनको एक्सचेंज करके पहन लेते हैं. तो मुझे लगता है इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, जैसे कई लोग इसको बहुत फील करते हैं कि अरे नहीं ये सब करना नहीं है हमको, तो अपना ही पहनना है. बट मुझे लगता है इससे प्यार और बढ़ता ही है, और कि अगर आप ऐसे करके भी कर रहे हैं तो उस चीज की कीमत तो वसूल करी जा रही है कम से कम. तो मुझे, मैं खुद इस चीज को प्रेफर नहीं करती कि आप इतने लाखों की चीजें लगाएं, और मुझे लगता है उसका बजट होना चाहिए हर चीज का, अननेसेसरी वेस्टेज ना करें. अब आप बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट कर चुकी हैं जी. एक तो ये कि आप प्रमोशन करती हैं तो उस वजह से ब्रांड की सेल बढ़ जाती है, या कई बार किसी ऐसी ड्रेस की आपको प्रमोशन करनी पड़े, बहुत सारे शोरूम्स की आप करते हैं और वो इतनी ज्यादा स्टाइलिश हो कि आप कंफर्टेबल नहीं फील करें और आपके मन में आ रहा हो कि इससे अच्छी तो मेरी घर की ड्रेस है जो मैं घर में पहनती हूँ, ये क्या पहना दिया मुझे. हाँ. उस टाइम क्या फील करते हो, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो आप? अब पैसे ले लिए तो करना तो पड़ेगा. आपको चाहे हंस के करना पड़े या रो के करना पड़े, बट आपको अपने फेस पे ऑलवेज स्माइल के साथ, आप चाहे अंदर से कितना ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट वो है ना कि काम तो काम है, तो वो आपको करना ही पड़ता है. कई बार मन से, कई बार बेमन से. शो मस्ट गो ऑन. यस, राज कपूर जी की फिल्म आई थी तो उसमें उन्होंने कहा था शो मस्ट गो ऑन. आपके दिल में कितना भी दुख है, दर्द है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि उस टाइम जब काम कर रहे हैं और प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम हमें अपनी इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखने की जरूरत होती है. जी बिल्कुल. कई बार आपकी कोई एक्सेसरी आपको मिल जाती है जो आप कभी नहीं पहनते. फॉर एग्जांपल बहुत बड़े इयररिंग्स मिल जाए. मैंने एक बार ऐसा किया था एक शूट जिसमें बार बार इयररिंग्स चेंज करने थे और मैं पेन से पूरी तरह से मैं दर्द हो चुका था, और एक डेढ़ घंटे का वो शूट था, लेकिन मुझे अपने फेस पे जो स्माइल रखी रही मैं खुद उस प्राउड फील करती हूँ. लेकिन ऐसा होता है कि आपको पेन भी लेना है या नापसंद वाली चीजें भी करनी पड़ रही हैं, बट वही चीज है कि काम ही पूजा है, आपको उनके सामने वैसे ही रहना पड़ेगा. मुझे यहाँ पे ना एक इंसिडेंस याद आ गया. एक मेरे फ्रेंड थे काफी अच्छे स्टेज एक्टर, तो यहाँ कमानी ऑडिटोरियम में प्ले था उनका, तो मैं भी गया हुआ था, तो एज ए गेस्ट बुलाया था उन्होंने मुझे. तो वहां पे वो बाहर से आते हैं और उनकी वाइफ ने कहा कि मैंने आज आपके लिए खीर बनाई है और उनको वो खीर खिलानी थी, और बाई चांस वो खीर अरेंज करनी भूल गए स्टेज पे, मतलब कि उस टाइम खीर नहीं थी. तो इमीडिएटली फिर ये डिसाइड हुआ कि फटाफट कैंटीन से दो ब्रेड के स्लाइस लेके और दूध में डाल के वो ले जाते हैं और उससे हम इसे कवर अप कर लेंगे. अब वो ब्रेड तो डाल दी लेकिन उसमें चीनी भी नहीं डाली. अब ठंडा फीका दूध, सूखी ब्रेड उसमें डाली हुई और वो खा रहा है और उसको इतनी तारीफ करनी पड़ रही है, वाह क्या बात है, क्या खाना बनाया, कैसी बढ़िया खीर बनाई. बिल्कुल. तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है तो मुझे उससे ये चीज याद आ गई. एक इसका आपको मैं भी एक बताती हूँ. जैसे आपने बोला ना कि एक्टिंग, क्योंकि उस टाइम उनको एक्टिंग करनी थी तो वो एक्टिंग करनी पड़ेगी. तो मेरे साथ भी अभी एक ऐसा सीन हुआ था. अभी एक हमारी मूवी आ रही है चाहत, उसका जो लास्ट सीन था वो बहुत सीरियस था जी. तो मुझे रोना था पेपर्स देख के, और मेरे को अपना मुंह नीचे करके मुझे रोना था, रोने के एक्सप्रेशन देने हैं. और जो मेरे सामने दो नेगेटिव खड़े हैं वो जोक्स बोले जा रहे हैं अननेसेसरी, उसका पार्ट नहीं था वो जोक्स. और मतलब मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन रोने के करने थे, और वो आपस में बात ऐसी कर रहे थे कि पूरा टीम ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था और वो कुछ बोले चले जा रहे थे. तो जैसे ही वो शॉट हुआ तो मतलब एकदम से मेरे एक्सप्रेशन चेंज हुए कि मैंने जैसे यूं कंट्रोल कर रखा था
हंसी हंसी तो वो जो कंट्रोल वाला वो था, तो वो मैंने फील कर रखा कि एक्टिंग के टाइम आपको कैसे वही वो उस मोमेंट में आपको वही रहना था, सीन सीन कर लिया था सीन कर लिया था, मैंने कहा सीन में भी हंस पड़ी मैं सीरियस सीन को, मैंने अपने आप को ऐसे वो रोक के रखा था मैंने तब। आप और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स जो हैं, वो कई बार रैंप वॉक करते हैं। एक बार तो हमने इकट्ठे वो जज भी किया था प्रोग्राम आपके साथ, तो वो फैशन का वो ड्रेसेस पहन के जो करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई रैंप वॉक कर रहे हैं और भी यहाँ से लेफ्ट जाना है, फिर वो लेफ्ट में देखना है, फिर राइट में देखना है और ऐसे घूमना है, तो कोई रास्ता ही भूल जाए या कंफ्यूज हो गए, ध्यान कहीं और चला गया हो, तो उस टाइम पे वो कैसे संभालते सिचुएशन को, क्योंकि उसके पीछे सारी जो चेन होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह का कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ है कुछ? हाँ, ब्लैकआउट ऐसे ऐसे हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने कुछ सेकेंड्स में उसको चेंज कर लिया है। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ एक ग्रुप में हुआ था कि मैं शो स्टॉपर बनी हुई हूँ, और जो सीक्वेंस के हिसाब से क्या था कि शो एज अ शो स्टॉपर मैं आगे हूँ और पीछे वाली लड़की को मूव करना था, तभी मैं मूव करूंगी। अब मैं वेट करे जा रही हूँ कि वो चले तो मैं मूव करूँ, फिर वो मूव ही नहीं करी, वो एकदम ब्लैकआउट हो गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मूव करना है, या वो एकदम ही स्टिल हो गई। फिर मैंने ही घूम के अपने जिस जहां तक मेरा हाथ जा रहा था उस वाली को ऐसे किया कि मैं जा रही हूँ, अब तो मेरे पीछे पीछे आओ। वो सारा सीक्वेंस चेंज हो गया उस टाइम, ऑडियंस को नहीं पता चला, लेकिन वो हमें पता था कि वो क्या हो गया। आप अब तो बहुत माशाल्लाह बड़े परफेक्ट हैं, अपने सारे फील्ड जितने मैंने शुरू में बोले, ये शायद कम होंगे और भी आपके बहुत सारे होंगे जितने मैंने बोले, तो ये बहुत सारे, तो अभी भी क्या किसी टाइम कोई शो करते हुए या किसी की प्रमोशन करते हुए कहीं से अंदर से डर लगता है, कहीं कोई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स या फियर ऑफ फेलियर लगता है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्या कहेंगे, डायरेक्टर क्या कहेगा, कभी वो फियर रहता है मन में? अभी प्रमोशंस में तो नहीं रहता, क्योंकि वो तो पता है कि छोटा सा सीन है। अच्छा, लेकिन एक्टिंग में जहाँ थोड़ा बड़ा सीन आपको और वो भी जब ग्रुप एक्टिंग हो कि चार जनों को बोलना है और आपको भी बीच में बोलना है, तो वो वाले सीन्स थोड़े से अभी भी मुझे थोड़ा सा, मतलब मुझे बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने माइंड को समझाना पड़ता है कि क्या कब क्या बोलना है या मुझसे गलत ना निकल जाए, तो कभी कभी आता है अभी भी ऐसा। आप ये जो यंग बच्चे अब फील्ड में आ रहे हैं, जो अब नए या जो मिडिल एज भी, आज जैसे हमने अपना एक्सपीरियंस आपने बताया, तो मेरे ख्याल इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे जरूर मिडिल एज के लोग भी ट्राई जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो आप इंडियन फैशन का फ्यूचर, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देखते हैं, क्या स्कोप है, क्योंकि फैशन तो हर दिन बदलता रहता है। बिल्कुल। तो सक्सेस के क्या चांसेस हैं, कितने ब्राइट फ्यूचर है उनका, उसके बारे में 2 मिनट बताइए। अगर हम इंडियन फैशन की बात करते हैं तो साड़ी एक ऐसा फैशन रहेगा हमेशा जो कभी कहीं नहीं जा सकता, बेशक हम उसके आगे पीछे की एक्सेसरीज वो सब चेंज करते रहें। और मुझे लगता है कि अभी मैं जो नोटिस कर रही हूँ कि यंगस्टर्स जो फीमेल कॉलेज गोइंग्स हैं उनमें साड़ी का क्रेज बढ़ रहा है जी। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो क्रेज अगर बढ़ता जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि यंगस्टर्स उन साड़ियों को अपनाने लगे। और अगर हम फैशन की बात करते हैं तो मूवीज का फैशन जो है वो ही फॉलो होता है ज्यादातर। और फैशन में क्या है ना, नाम पलट देते हैं, जैसे अगर आप देखें कि जो रवीना टंडन उस टाइम पहनती थी वो आज हम दोबारा से पहन रहे हैं, उनका नाम बदल दिया जाता है, वो कॉर्ड सेट कर दिया, वो जो पैरेलल थे आज प्लाजो हैं, तो सिर्फ नाम पलट के ऐसे घुमा दिया जाता है कि ये नया हमारे टाइम पे तो पजामा बोलते थे उसको अभी पजामा बोलते हैं तो उसको मतलब अगर लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हर 10 साल बाद ना वही फैशन रिपीट हो रहा होता है, बस उसके नाम पलट पलट के हमारे सामने नए परोस दिए जाते हैं तो लेकिन मुझे लगता है
कि साड़ी वापस से आ रही है और ये बहुत अच्छा हमारे लिए, लेकिन नई पैकिंग नई प्रेजेंटेशन के साथ आज ये सामान बिकता है सर। हाँ जी हाँ जी, वो साड़ी पहनने के तरीके में वो पैंट के साथ स्कर्ट्स के साथ सबके साथ पहनी जा रही है, बट एटलीस्ट चलो रह तो रही है वो कम से कम। अब हमने बहुत सारी ब्राइट साइड की बातें की, एक चीज जो मेरे मन में और आ रही है कि आप जैसे किसी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, कई बार लेट इवनिंग में होता है, रात को लेट हो जाते हैं, या किसी दूर जगह पे जाना पड़ता है या अननोन जगह पे जाना पड़ता है, आप पहले किसी से मिले ही नहीं ऑर्गेनाइजर से या कुछ है, तो क्या सेफ्टी सिक्योरिटी का भी आपके मन में थोड़ा डर रहता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अगर कोई बच्चे नई जनरेशन आ रही है तो वो सिर्फ ब्राइट साइड देख के नहीं जाएं, उनको मैं चाहता हूं कि सारे एस्पेक्ट पता हो कि ये भी चैलेंज लाइफ में आ सकते हैं। तो इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के लिए? जब हम अगर शूट की बात करते हैं ना, तो उसका कई बार कोई टाइम नहीं होता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसी ना किसी वजह से भाई, अगर जब शूटिंग चल रही है तो एक डायलॉग नहीं बोल पा रहा या कोई ना कोई वजह हो जाती है जिससे डिले हो जाता है शूट, तो उसमें जब टाइम की लिमिटेशन है तो वापसी आपकी रात में भी, मतलब 12 बजे के बाद भी हो सकती है, तो वो फिर या तो फैमिली बहुत सपोर्टिव हो आपकी या फिर आपके साथ कोई कंपनी कर रहा हो, तो वो रात का वाला जो सफर है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। अगर आपके खाली सड़कों पे आप जा रहे हैं तो कैब भी आपको अगर लेनी पड़ती है तो बड़ी मुश्किल आ जाती है कई बार। तो फिर मैं पर्सनली यही करती हूँ कि भाई हर समय अपडेट रखती हूँ, फैमिली को शेयर कर देती हूँ कि भाई मैं इस समय यहाँ पर हूँ। बट हाँ, वो वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा फीमेल्स के लिए खासतौर से कि हमें मतलब ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का। एक मेरे जानने वाले हैं तो उनकी वाइफ को ना शॉपिंग का और नई नई ड्रेसेस लेने का बड़ा शौक है, और वो इससे भी परेशान है और खर्चा होता है उससे तो ज्यादा परेशान है ये, जैसे आम आदमी बिल्कुल। अब वो जब भी नई ड्रेस पहनती हैं तो बार बार उसे पूछेंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो मुझे उस दिन कहता है अगर मैं सच बोल दूं तो उसी दिन हमारी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लग रही होती पर मुझे झूठ बोलना, बार-बार झूठ बोलना पड़ता है। तो या तो फिर वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग नहीं पहन रही, कुछ अटपटा पहन रही है। तो मुझे लगता है बाहर मजाक बनवाने से अच्छा है घर में ऑनेस्टी से पता चल जाए कि भाई मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। यहाँ पे ना मुझे एक और मजाक याद आ गया। एक बार ना एक पुजारी जी, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि स्वर्ग नरक है, तो वो पुजारी जी बनने के बाद ऊपर गए तो वो नरक में, तो वहां पे उनके इलाके का एक शराबी था तो वो उनको मिल गया। तो उन्होंने कहा पुजारी जी आपने तो सारी उम्र पूजा पाठ धर्म ध्यान की बातें की है, हमने तो चलो दारू पी या कुछ और कोई गलत किया होगा तो हम तो नरक में आए, आप क्यों गलत में आए, आप तो सारे काम इतने अच्छे करते रहे। कहता मैं सारी उम्र ना झूठ बड़ा बोलता रहा। तो कहते आपने झूठ बोला, आप तो सबको कहते थे सच बोलते हैं, सच बोलना चाहिए। कहता लेकिन जब भी वाइफ तैयार होके आती थी ना तो मैं कहता था बहुत अच्छी लग रही है और दिल से मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं झूठ बड़ा बोलता था, उस वजह से मुझे याद। तो मतलब इतने से झूठ का भी इतना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, तो फिर तो और बच के हमें, हम सबके लिए शिक्षा है कि झूठ ना बोले। झूठ तो झूठ ही है चाहे किसी किस्म का भी हो। बिल्कुल। एक ये बच्चों का ही मजाक था, जैसे वो कपिल शर्मा ने जब कोई चीज पूछनी हो ना फनी, तो वो कहता जी ये एक बच्चे ने सवाल पूछ रहा है, तो वैसे ही एक बच्चे ने मुझे सवाल दिया कि हमारे यहाँ पे लड़की अगर सीधी हो तो उसको गाय कहते हैं, बिल्कुल गाय है ये, गौ की तरह है लड़की हमारी, और लड़का अगर जरा सा सीधा हो तो उसे कहते हैं ये गधा है। ये ट्रेंड क्यों? अभी ऑनेस्टली तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, तो लड़की तो बेचारी सीधी रहेगी, वो तो वैसे ही है गाय, लेकिन लड़का ऐसा कैसा हो सकता है? तो शायद इसीलिए वो लड़के को और ज्यादा बुरा बनाने के लिए उसे ये गधा वर्ड यूज कर दिया होगा। बहुत अच्छा लगा निधि जी, आज आप हमारे शो में आए, बहुत सारी हमने बातें की, शो
का टाइम हमें नहीं परमिट कर रहा, लेकिन दिल करता है कि अभी और बहुत कुछ आपसे समझा जाए, बच्चों के लिए बहुत सारी जानकारी और ली जाए, जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों एक चीज में आपको कहना चाहूंगा, जो डर गया सो मर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वो बहुत कुछ कर गया। जिस तरह निधि जी ने हिम्मत दिखाई, शादी के बाद अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए इन्होंने फैशन लाइन में फिल्म आर्टिस्ट, मॉडल, ब्रांड एम्बेसडर बनी और आज इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना और पाना चाहते हो, तो यही मौका है। आज से ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बाद में मिल सकता है। सिर्फ ये जो टाइम अभी आपके पास, ये 2-3 साल 4 साल है, ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। तो आज जो भी सोचा है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ किसी को देख के, किसी की बातें सुन के, किसी से इन्फ्लुएंस होके कोई काम कभी मत शुरू करना। अपने माइंड में पूरी क्लैरिटी रखो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं और मेरा गोल क्या है, आखिर में मुझे क्या अचीव करना है। तो हमारी आप सबके लिए यही दुआ है कि प्रभु आपको भी निधि जी की तरह इसी तरह बहुत कामयाबी दे और आपको भी नेम, फेम और आपका नाम बुलंदियों तक पहुंचे। इसी के साथ हम ये प्रोग्राम यहां पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले निधि जी से एक छोटा सा मैसेज आपके लिए लेना चाहते हैं। हमारी यही दुआ है आपके लिए कि आप सभी की हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। निधि जी, आप एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यूथ को तो यही कहना चाहूंगी कि शॉर्टकट नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि कुछ भी काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और फिर डेस्टिनी है आपकी। तो हार्ड वर्क करते रहिए, जो आपने सोचा है उस पर फोकस रहिए और फिर आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू।